मैं हूँ सोनल दोमड़िया और आप देख रहे हैं रामजी टेक्निकल चैनल। दोस्तों, क्या फेसबुक पर देखे हुए वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं और मुश्किल आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा है कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड फेसबुक पर कैसे कैसे वीडियो देखती है, वो भी आपको देखना होगा, पर आपको पता ही नहीं है कि पहले वाला वीडियो कैसे देखे। जो गर्लफ्रेंड है उसका फेसबुक कैसे चेक करे तब पता चले कि आगे का वीडियो कैसा कैसे देखा गया है। तीसरा है कि आपने ही जो फेसबुक पर वीडियोस देखे हैं वो वीडियो कैसे डिलीट करें। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। फेसबुक पर देखे हुए वीडियो को फिर से देखने के लिए या फिर आपकी गर्लफ्रेंड कौन कौन से वीडियो देती है उसका पता लगाने के लिए, आपको अगर आपको देखना है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन कौन से वीडियो देती है, तो उसके फेसबुक आईडी में जाकर आप ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपने फेसबुक पर कौन से वीडियो पहले देखी है उसको दोबारा चेक करना चाहते हैं और फेसबुक की वॉच हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि टेक्निकल जानकारी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो फेसबुक की वेबसाइट को ओपन कर लेना है ब्राउजर में। तो मैं यहाँ पर सिंपली फेसबुक की जो वेबसाइट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर जो फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है, आपके फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर आपको अगर अपना चेक करना है तो आपके प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर जो कॉर्नर में दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेटिंग एंड प्राइवेसी है इस पर आपको क्लिक करना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अपना देखना है तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आप ये अपने गर्लफ्रेंड का देखा हुआ वीडियो देखना है फिर से चेक करना है तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड वाले जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने गर्लफ्रेंड का फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना तो आप यहाँ पर आई बटन वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कैसे आप लोग किसी भी गर्लफ्रेंड का या फिर किसी भी अकाउंट को स्विच अकाउंट के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद से यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वीडियो यू हैव सर्चेस फॉर, आप जिस भी वीडियो को जो है फेसबुक पर सर्च किए होंगे उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है, तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर नथिंग टू शो दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर मैंने कोई भी फेसबुक पर वीडियो सर्च करके नहीं देखा है। बैक जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे वीडियो यू हैव वॉचेज, यहाँ से दोस्तों इस वाले सेक्शन में हमें वो वीडियो मिलते हैं जो हम फेसबुक पर पहले देख चुके हैं, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो वीडियो मैंने फेसबुक पर पहले देख लिया है। देखिए यहाँ पर आ चुका है, फेसबुक पर जो मैंने वीडियो देखे उसकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है और हम चाहें तो उसको दोबारा क्लिक करके देख सकते हैं। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो वीडियो है ये यहाँ पर चालू हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो हम देख चुके हैं इसको डिलीट करना, यानी कि ये जो है हमारे वॉच हिस्ट्री को डिलीट करना, फेसबुक की जो वॉच हिस्ट्री है उसको क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर दो बातें हैं, अगर आप अपने किसी खास वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं जिससे चाहते हैं कि आपके फेसबुक की वॉच हिस्ट्री में ना रहे तो आप उस वीडियो को आपको जाना होगा, यहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को जो अपने वीडियो को देखा है, और यहाँ पर जो थ्री डॉट है उसके सामने है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपने अभी तक फेसबुक पर जितने भी वीडियो देखे हैं उन सबको हमेशा के लिए डिलीट कर देना, उस वॉच हिस्ट्री को डिलीट कर देना, तो यहाँ पर क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आप क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर रिमेम्बर ओनली यू कैन सी योर वीडियो वॉच हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो इसे डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ओनली मी, तो फेसबुक वीडियो वॉच हिस्ट्री है वो सिर्फ जो है हमारा हम ही देख सकते हैं, ओनली मी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अपने फेसबुक पर देखे हुए वीडियो को दोबारा से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री, एंड यहाँ पर क्लियर वीडियो वॉच हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये हमने जितने भी देखे हुए वीडियो है वो सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं है जो मैंने फेसबुक पर देखा है, यानी कि जितने भी वीडियो मैंने फेसबुक पर देखे थे वो सभी फेसबुक वीडियो की वॉच हिस्ट्री यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करके आप लोग चाहें तो अपने फेसबुक की सर्च हिस्ट्री को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर अपने फेसबुक पर पूरा सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, सिंपली क्लियर सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये था तरीका जिससे दोस्तों आप लोग फेसबुक पर देखे गए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या गर्लफ्रेंड कौन से वीडियो देखती है उसको डिलीट कर सकते हैं।